मौजूदा समय में गायक सिद्धू मूसेवाले का गाया गीत 295 बेहद चर्चा में है। मूसेवाला के कत्ल से पहले भी इस गीत ने धूम मचाई हुई थी। आखिर क्यों मूसेवाला ने धारा 295 पर ही गीत लिखा? क्या है धारा 295? धारा 295 आईपीसी किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना है। धारा 295 पर क्या सजा है? इस अपराध पर 2 वर्ष का कारावास या आर्थिक दंड या फिर दोनों। यह एक गैर जमानती संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य भी नहीं है। आइए जानते हैं आखिर क्या है गीत 295 के बोल, जिनका अर्थ हम हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्तों, चंगा पला हसदा सी मौन कास्तों, आ जेड़े दरवाजे विच बोर्ड चक्की खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा और कौन कास्तों। बता बेटा तेरा सिर नीचे क्यों है, अच्छा भला हंसता था चुप क्यों है, ये जो दरवाजे पर बोर्ड उठाकर घूम रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन क्या है। कुछ एथे चांदी चमकाना चाहते ने, कुछ तेनू फड़ थले लाना चाहते ने, कुछ एक आए एथे भुखे फेम दे, नाम लैके तेरे अगे आना चाहते ने। कुछ लोग यहाँ पर अपनी चांदी चमकाना चाहते हैं, कुछ लोग तुझे पकड़कर नीचे गिराना चाहते हैं, और कुछ तेरे साथ हैं जो तेरी फेम के भूखे हैं, तेरा नाम लेकर आगे आना चाहते हैं। मुसीबत तो मर्दा ते पैंदी रहती है, दबी ना तू दुनिया स्वाद लेंदी है, नाले जेड़े रस्ते तो तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी। मर्दों पर तो मुसीबत आती रहती है, तू दबना झुकना मत, ये दुनिया तो ऐसे ही स्वाद लेती है, और जिस रास्ते पर तू चल रहा है उस पर बदनामी बहुत ज़्यादा मिलेगी। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे ना ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेंगे ता मिलू 295, जे करेंगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। रोज किसी न किसी से कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद हुई मिलेगी, धर्मों के नाम पर डिबेट यानी कि चर्चा मिलेगी, सच बोलेगा तो मिलेगी 295 धारा, और अगर तरक्की करेगा बेटा तो नफरत मिलेगी। आज कई बचौन सभ्याचार जुट के, जना खाना दिंदा है विचार उठ के, इंज लगा रब जिवें हथ कड़े कर गया, पढ़ा जदों सुबह अखबार उठ के। आज कई लोग सभ्याचार को बचा रहे हैं, ऐरे गहरे भी उठकर अपने विचार दे रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भगवान ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। रोज सुबह उठकर जब अखबार पढ़ता हूँ, चुप रहो पुत्रा ने भेद खोली दे, लीडर ने इत्थे हकदार गोली दे, ओ जीना दा जवाकां दा ना ज्यों ते सतावे आ, रखे बन फिर ते ओ मां बोली दे। चुप रह बेटा भेद मत खोल, नेता यहाँ पर गोली के हकदार हैं, जिन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दिया है, ये रक्षक बड़े बने हुए हैं उस मां बोली के। ओ झूठ नहीं हो इत्थों दे फैक्ट आ भी ने, चोर बंदे औरां दे समझावी ना, सच वाला बाणा पा जो लोग लुट दे, सजा इना नू भी छेती मेट मिलूगी। झूठ नहीं यहाँ के फैक्ट ये भी हैं, चोर इंसान औरों के समाज से भी हैं, सच की पोशाक पाकर जो लोगों को लूट रहे हैं, सजा इन्हें भी जल्दी मिलेगी। नित कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाते डिबेट मिलूगी, सच बोलेंगा ता मिलू 295 जे करेंगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। रोज किसी ना किसी से कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद हुई मिलेगी, धर्मों के नाम पर डिबेट यानी कि चर्चा मिलेगी,
सच बोलेगा तो 295 धारा मिलेगी, और अगर तरक्की करेगा बेटा तो नफरत मिलेगी। ओ लोग बट्टे मार दे या भरे रुखां ते, मिंटा विच पहुँच जाते मावां कुखां ते। कौन कुत्ता कौन दल्ला कंजर है कौन, इत्थे सर्टिफिकेट देन फेसबुकां ते। लोग पत्थर मारते हैं फलों वाले पेड़ों पर, मिनट में पहुंच जाते हैं माँ की कोख तक। कौन कुत्ता दलाल यहाँ कंजर, यानी कि बुरे कर्मों वाला कौन है, सर्टिफिकेट देते हैं फेसबुक पर। लीडर ब्राउन दे के आता इन्हां नूं, वोटां च लै के मार दे चपाटा इन्हां नूं। पता नहीं जमीर ओहदा कित्थे हुंदी है, साले बोलदे ने शर्म दा काटा इन्हां नूं। नेता ब्राउन देकर आता है इनको, वोट लेकर मारते हैं थप्पड़ इनको। पता नहीं जमीर तब कहाँ होती है, साले बोलते ही नहीं शर्म की कमी है इनको। डिग दे नूं देन लोग ताली रखते, ओ कढ़ दे की गाला इत्थे दाढ़ी रखते। ओ तेरी अते ओदी माँ च फर्क है कि अकल इन्हां नूं थोड़ी लेट मिलूगी। गिरते हुए को देखकर लोग तालियां बजाते हैं, निकालते क्यों हो गालियां यहाँ दाढ़ी रख के। तेरी और उसकी माँ में फ़र्क क्या है, अकल इनको थोड़ी लेट मिलेगी। नित कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा के नाते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। रोज़ किसी ना किसी से कॉन्ट्रोवर्सी विवाद हुई मिलेगी, धर्मों के नाम पर डिबेट यानी कि चर्चा मिलेगी। सच बोलेगा तो 295 धारा मिलेगी, और अगर तरक्की करेगा बेटा तो नफरत मिलेगी। तू हुण तक अगे तेरे दम करके, इत्थे फोटो नहीं खिचांदा कोई चम करके। कौन किन्ना रब च यकीन रखदा, लोग कर दे जज ओदे कम करके। तू अभी तक आगे है तेरी हिम्मत से, यहाँ पागल नहीं बनता कोई चमड़ी की वजह से। कौन कितना भगवान में यकीन रखता है, लोग करते हैं जज उसके काम से। तू चुकिया जरूर होया कोटा तो नहीं, पग तेरे सिर ते है तू रोडा तो नहीं। एक गल पुछ इना ठेकेदारां नूं, साडा भी है पंथ कला तुहाडा तो नहीं। तू झुका जरूर हुआ है पर घुटनों पर नहीं, पग तेरे सर पर है तू गंजा तो नहीं। एक बात पूछ इन धर्म के ठेकेदारों से, हमारा भी है पंथ सिख धर्म अकेला तुम्हारा तो नहीं। वो गंदियां से आस्तानों दिलों कट दे, हो किसे नूं तां गुरु कर जोगा छट दे। हो किसे बच्चे सिर नहीं हो केस लभने, नहीं तां तुहानूं छेती ऐसी डेट मिलूगी। गंदी राजनीति को दिल से निकाल दो, किसी को गुरु के घर जाने लायक छोड़ दो। किसी बच्चे के सिर पर बाल नहीं मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें ऐसी जल्दी कोई तारीख मिलेगी। नित कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्मा दे नाते डिबेट मिलूगी। सच बोलेगा तो मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। रोज़ किसी ना किसी से कॉन्ट्रोवर्सी विवाद हुई मिलेगी, धर्मों के नाम पर डिबेट यानी कि चर्चा मिलेगी। सच बोलेगा तो 295 धारा मिलेगी, और अगर तरक्की करेगा बेटा तो नफरत मिलेगी। मीडिया कई बन बैठा है आज दा गंवार, इको झूठ बोल दे है वो भी कई बार बार। बैठ के जनानिया नाल करते है चुगलियाँ, ते शो दा नाम रख दे है चज दा विचार। मीडिया कई बन बैठे हैं गंवार आज के, एक झूठ बोलते हैं वो भी बार बार। बैठ के औरतों संग करते हैं चुगलियाँ, और शो का नाम रखते हैं ढंग के विचार। शाम ते सवेरे पाल दे विवाद ने, एवें तेरे नाल कर दे फसाद ने। 24 नाले निंद देने परौने नू, नाले ओदे कल्ले कल्ले गीत याद ने। शाम से सुबह बस विवाद ढूंढते हैं, ऐसे तेरे साथ करते हैं फसाद। साथ में 24 निंदा करते हैं अपने दामाद की, साथ में उसके अकेले अकेले गाने भी हैं याद।
ਭਾਵੇਂ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰਾਊਡ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸਾਲੇ ਲਾਊਡ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰਾ, ਆਹ ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਪਰਾਊਡ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭੀੜ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਯਹੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਕੋ ਤੁਝ ਪਰ ਫਖਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਬ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਿਆ, ਉੱਠ ਪੁੱਤ ਝੋਟਿਆ ਹੋਏ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਰਿਹਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੂੰ ਦੱਬ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲਾ ਹੈ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਮੂਸੇ ਵਾਲਿਆ, ਅਗਰ ਐਸੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗਾਨੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਤਾ, ਤੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝਦਾਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿੱਤ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਲੂ 295, ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਰੱਕੀ ਪੁੱਤ ਹੇਠ ਮਿਲੂਗੀ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੀ ਨਾ ਕਿਸੀ ਸੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਧਰਮੋ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਡਿਬੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਚਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੋ 295 ਧਾਰਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟਾ ਤੋ ਨਫ਼ਰਤ ਮਿਲੇਗੀ।